नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्ली पोस्ट और मैं हूं सोनिया डोगरा। दर्शकों, आज आपको बता दूं कि ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहां पर मैं आपको बता दूं, खेलो इंडिया की तरफ से यहां पर हॉकी मैच जो है वो यहां पे खिलाया जा रहा है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से यहां पे बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है वो यहां पर खेल में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो आइए आइए जानते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या कहना है उनका। और दूसरी तरफ देखा जाए, अगर मैच देखने को मिले, हमें क्रिकेट मैच की बात की जाए, तो युवा पीढ़ी की बात करें तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा लोगों का मैक्सिमम क्रिकेट मैच को लेके है। लेकिन हॉकी मैच की बात की जाए, हॉकी मैच हमारे देखने को और सुनने में यही आता है कि हॉकी मैच जो है वो कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। आखिरकार क्या कारण है कि मोस्टली लोग जो हैं, युवा पीढ़ी की बात की जाए, बॉयज़ एंड गर्ल्स की बॉयज़ की बात की जाए, तो क्रिकेट मैच को लेके ही आगे क्यों बढ़ रहे हैं, हॉकी को कहीं ना कहीं पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है। तो आइए इस बारे में हमारे साथ यहाँ के बच्चों से बात करते, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हिस्सा ले रहे हैं उन्हीं से बातचीत करके जानते हैं उनसे बारे में बातचीत करते। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम है राजन सिंह। राजन, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे खेलते हो? मैम, यहाँ पे हमें 3.5 साल हो गए, ज़्यादा नहीं तो 3-4 साल। तो क्या आपको अपनी स्टेट से कुछ मिलता है, कुछ बेनिफिट मिला अभी तक? मैम, अभी तक तो स्टेट से हमने नेशनल लगाए हैं, तो और हमारे यहाँ पे जगजीत साहब आते हैं, वो हमें किट स्पॉन्सर करते हैं और खेलने के लिए उत्साहित करते हैं, और हमें इतना सिखाते हैं कि यहाँ पे पहले खेलो, यहाँ पे रूल सबसे पहले, फिर अपने कोच को गुड इवनिंग करके फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करो। तो आप कहाँ से आते हैं? मैम, हम यहाँ जीवल से आते हैं। जीवल से आते हैं जी। तो अभी तक कोई परेशानी तो नहीं आई आपको खेलते वक्त? मैम नो, यहाँ पे हमें कोई परेशानी तो नहीं है, पर धूप में हमें थोड़ा सा टफ लगता है। तो आपको क्या चाहते हो, आपको कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए, हमें जैसे कि हम खेलते हैं गेम तो हमारे वक्त यहाँ पे हमें ये चीज़ होनी चाहिए, आपके मन में ऐसा क्या लग रहा है कि यहाँ पे कमी पेशी जो आपको लग रही है कि हमें खेलने में प्रॉब्लम आ रही है? मैम, हमें खेलने में इसलिए प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यहाँ पे टर्फ है जो वो काफ़ी पुराना हो चुका है, बस हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे टर्फ चेंज हो। आपका नाम? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत, क्या कहोगे इस खेल के बारे में, कितना इंजॉय कर रहे हो? बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो जो जो लोग अभी तक यहाँ पे नहीं आए, जो खेलना चाहते हैं, उन लड़कों को क्या बोलना चाहोगे? उनको भी आना चाहिए, ग्राउंड में खेलना चाहिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। कहाँ से आते हो आप? डिकाना से। अच्छा, तो बाकी को जाते हैं तो क्या मैसेज देना चाहोगे? वो भी खेलना चाहिए, उनको भी खेलना चाहिए, आना चाहिए इधर स्टेडियम में, हमारी इंडिया की हॉकी नेशनल गेम है, इसलिए खेलना चाहिए। ये खेलना चाहिए। इसकी ट्रॉफी हाल देखो, कह रहे हैं पुंछ में डालना है, अभी तो इधर तो डालो। कौन कह रहा है आपको पुंछ में डालना है? पहले बोल रहे थे लोग, इधर आते थे मीडिया, वो बोलते थे, तभी मैंने बोलते थे आपको, कह रहे उधर भी लॉन्च करना है, इधर भी लॉन्च करना है, पहले इधर तो करो सही तरह। क्या चाहते हो आप यहाँ पे? क्या ट्रफ ट्रफ की हाल देख लो, आप उधर कैमरा देख लो, उसकी हाल देख लो, गिर गिर के हमारी बुरी हाल हो गई इधर। तो आपने इस बारे में किसी से बात नहीं की? मीडिया आती है, मीडिया बचाती नहीं हमारी बातें आगे तक, उधर से हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी मीडिया बात सुने और यहाँ पे टर्फ चेंज कराएं, क्योंकि हम मैं भी गोलकीपर हूँ, पर यहाँ पे गोलकीपर वही सही प्रैक्टिस करता है क्योंकि टर्फ साफ हो, तो आगे भी अगर टर्फ साफ होगी तो हम आगे कुछ करेंगे, अगर यहाँ पे नहीं तो प्रैक्टिस नहीं होगी तो टर्फ अच्छा नहीं होगा तो हम आगे कैसे जाएंगे। और बाहर जा के भी हमें बोलते हैं कि जम्मू वाले अच्छा खेलते नहीं हैं, यहाँ पे अगर टर्फ अच्छी होगी तो फिर हम खेलेंगे ना। कौन ये बात बोलते हैं कि जम्मू वाले अच्छा नहीं खेलते यहाँ पर? मैम, हमने सुना है कहीं पे कि जब भी जम्मू वाले आते हैं अच्छा खेलते नहीं हैं, तो हमारी यही बात है कि क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड हर 4 साल बाद चेंज होती हैं। और पर मतलब कि यहाँ पर 4 साल हो गए नहीं? अभी 4 साल में काफ़ी नहीं चेंज, 20-30 साल तो हो गए मेरे को, मेरे पापा जी सुनाते थे 30-40 साल हो गए इस तरह, तब से चेंज नहीं हुआ जी, 10 साल। तो जैसे कि आपने सुना इनका साथ साथ इनका इंटरेस्टेड गेम है, इन्होंने बताया कि काफ़ी खूब मज़ा आता है हमें खेलते वक्त, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि इनको काफ़ी मुश्किलाहट आ रही है कि यहाँ पर किसी को 3 साल हो गए, किसी को 2 साल, किसी को 4 साल हो गए, यहाँ पर इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही खेलते वक्त। वो ये कह रहे हैं कि अभी तक मैट वगैरह चेंज नहीं हुए, खेलते वक्त ये गिर जाते हैं, काफ़ी चोटें वगैरह लगती हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। तो आइए इनके साथ साथ और लोगों से बात करके जानते हैं। तो ये यहाँ पर नेशनल कोच जो मैम है, यही बच्चों को प्रॉपरली ट्रेनिंग देते हैं, इनसे बातचीत करके जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मैम। थैंक यू मैम। मैम, क्या कहेंगे कि कितना मुश्किल होता है कि बच्चों को जैसे कि आप पूरा देखते हैं, प्रॉपरली ट्रेनिंग देते हैं, इस बारे में कितनी मुश्किल आती है? मुश्किल तो ये है कि बच्चों को ना मतलब बहुत गरीब होंगे बच्चे, हॉकी में मतलब ज्वाइन करते हैं तो जैसे बड़ी बार हम उनको आने जाने का किराया भी दे देते हैं, वैसे हमारी एसोसिएशन जो है बड़ा सपोर्ट करती है, जैसे बच्चों को शूज़ दे दिए, हॉकी स्टिक अपने से प्रोवाइड करती है, स्पोर्ट्स काउंसिल भी हॉकी स्टिक वो भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे जब प्लेयर मतलब आगे बढ़ता जाता है ना, फिर वो
पहले जैसे स्कूल प्रोडक्शन स्कूल से होती है, स्कूल वाले टीमें निकालते थे, जैसे आप स्कूल के कंपटीशन चल रहा है खेलो इंडिया, तो काफ़ी बच्चे स्कूल से निकले हैं, लेकिन उनको स्कूल से भेजना मतलब फिजिकल टीचर्स का काम होता है कि भाई जैसे हम भी स्कूल से बने हुए प्लेयर हैं तो मेन प्रोडक्शन स्कूल से है। तो यू सर्सी स्पोर्ट्स वाले अगर कोऑपरेट करें तो कई मतलब काफ़ी बच्चे खेलने के लिए आए, हमें मतलब स्कूलों में ज़्यादा जाना पड़ता है, मैं जैसे साई की कोच हूँ टैलेंट सर्च करने के लिए, वहाँ से बच्चे निकाल के लाते हैं, जैसे प्रेयर में अनाउंस किया, जैसे कोई फिजिकल टीचर अगर हॉकी से कंसर्निंग है तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, अगर दूसरी गेम का तो जैसे नियर बाय स्कूल है, ऐसे आउट साइड स्कूल से बच्चे आए तो हॉकी काफ़ी अप हो सकती है, जैसे मतलब हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल एसोसिएशन को बड़ा सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। ऐसे जैसे मैं साई की कोच हूँ तो माइनर गेमों का यहाँ हॉस्टल है, बच्चे रख के हॉस्टल में उनको डाइट देकर गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट, तो फिर उनको बच्चों को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो थोड़ा मुश्किल की तरफ से मतलब आपको पूरी पूरी सपोर्ट है, लेकिन यहाँ ये स्पोर्ट्स काउंसिल और एसोसिएशन मिलकर यहाँ साई से तो ओके हो गया है। हॉकी का अगर हॉस्टल जाए फीमेल का मेल का दोनों को, जैसे हम 22 बच्चे दोनों गेम मतलब मैन वुमेन एंड मैन दोनों मेल और फीमेल दोनों रख सकते हैं, चलो 44 बच्चों को बेनिफिट हो मेरे यहाँ होने की वजह से, ठीक है ना। तो मोर हॉस्टल को खोलना चाहिए प्रॉपर, जम्मू है, अगर श्रीनगर का बच्चा भी कोई आना चाहेगा वो भी ओवर साइडर बच्चा यहाँ रहकर कोचिंग ले सकता है, तो टैलेंट तो ओवर साइड जम्मू ही है ना, ये सिर्फ एक टाउन के बच्चे इधर खेलते हैं, बाहर के बच्चे नहीं खेल सकते ना, वो एक हमें मतलब माइनस पॉइंट हमारे पास। तो मैम इसके साथ साथ बच्चों ने कंप्लेंट भी की ग्राउंड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका उनको सामना करना पड़ रहा है, कुछ चेंज नहीं हुई, वो गिर रहे हैं, उनको चोटें लग रही हैं, इस बारे में क्या? जैसे ग्राउंड की सफाई तो स्पोर्ट्स काउंसिल करवा रहा है, लेकिन ये काफ़ी देर होगी इसकी तो एक्सपायरी भी हो गया, अब जो मिट्टी आ रही है चिक्कड़ आ रहा है वो नीचे से ही ऊपर आ रहा है, क्योंकि इसमें होल्स वगैरह ना उसमें से ऊपर आ रहा है, कितनी भी सफाई, चेंज होना चाहिए, चेंज तो होना चाहिए। तो आपने इस बारे में डिपार्टमेंट से बात नहीं की कि हमारे बच्चों को मुश्किल हो रहा है, वो गिर रहे हैं, उसका कसूरदार कौन होगा? इंजरी तो बड़ी होती है बड़े बच्चों को, खुद कोचेज को इंजरी हो गई है तो हम भी गेम नहीं खेल सकते। मैम आपने इस बारे में किसी से बात नहीं की कि हाँ भाई ये चेंज होना चाहिए? किसी डे टू डे मतलब एसोसिएशन वाले कह रहे हैं कि लगवाएंगे, अब स्पोर्ट्स काउंसिल के अपने सेक्रेटरी साहब से भी हमेशा मीटिंग में बात होती है, मतलब सारे कोच करते हैं, नेशनल गेम है तो नेशनल गेम देखना चाहिए, हाँ क्योंकि ये एक्सपायर हो गया तो लग भी सकता है, लगवाना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब इनकी थोड़ी सपोर्ट हो तो लग भी सकता है, ठीक है ना। बड़ी बार मतलब सेंक्शन हो गया है, क्यों नहीं लग रहा है गॉड नोज। तो मैम बाकी जो आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं और हॉकी मैच के लिए क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मतलब स्पोर्ट्स के साथ इतना बेनिफिट है, 10% किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओ, जैसे बच्चा ग्रेजुएशन कर जाता है अगर इसी में बच्चा अच्छी मेहनत करेगा, नेशनल कैंप लगाएगा तो भी SRO में फॉल करेगा, हमारा अगर नार जोन में बच्चा जीत जाता तो वो भी दूसरे नेशनल में मेडल लेंगे, तो ये मेजर गेम है तो नार जोन में भी अगर मेडल आएगा तो ये बच्चे SRO में फॉल करेंगे, लेकिन इधर मतलब स्पोर्ट्स का एक्सपोजर है ही नहीं है, जम्मू में है ही नहीं है, उसके लिए मीडिया को कुछ प्रॉपर कोई एक्शन लेना पड़ेगा एक्सपोजर के, बच्चों के स्कूल वाले भी गवर्नमेंट स्कूलों में यह प्रिंसिपल अगर नॉन स्पोर्ट्स पर्सन होगी तो बच्चों को जैसे हमने एलिजिबिलिटी बनानी है वो साइन करने नहीं देगी, कार्ड बनाना स्टेडियम वो साइन नहीं करने देंगे, बच्चों को नेशनल जाने के लिए रोकेंगे क्योंकि उनकी भी उधर परफॉर्मेंस चाहिए ना, वो एजुकेशन में वो कहते हैं हमारा 7% रिजल्ट होना चाहिए, 7% रिजल्ट हो रहा है, ये हमें जो मिडिल स्कूल है हमने ज़्यादा बच्चे मतलब मिडिल स्कूलों के निकाले हैं, गवर्नमेंट स्कूल वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, हम गरीब बच्चे हैं, हम भी गवर्नमेंट स्कूल की प्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो वो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों से बच्चे आएँ तो उनको मोटिवेट करना चाहिए, जबकि हर स्कूल वाले अगर प्रिंसिपल नॉन स्पोर्ट्स पर्सन तो डिस्करेज करते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं जो यहाँ पे खेल रही हैं उनसे बात करते हैं, मैं कैमरा मैन को बोलूँगी प्लीज़ कैमरा घुमा के पहले दिखा दें कि कितने बच्चियाँ जो लड़कियाँ की बात करें तो छोटी छोटी लड़कियाँ कितने धूप में यहाँ पे खेलने के लिए आई हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ के जो मेन है इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम बिंदु, कितना टाइम हो गया आपको इस गेम में खेलते? 11 ईयर्स। और बहुत अच्छा मतलब मेरे को अच्छा लगा गेम खेल के, और मेरे मैम ने मुझे घर से लाया और टाइम निकाला मैंने स्टेडियम आने के लिए, नेशनल प्लेयर हूँ मैं। तो अच्छा, फैमिली में कभी परेशानी आई आपको? फैमिली में सपोर्ट मिल रहा है? हाँ मम्मा और सब कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि गेम में खेलते खेलते आपको गहरी चोट लग गई? हाँ बहुत बार। तो क्या तब डांट पड़ी आपको फैमिली से कि फैमिली ये नहीं कहते कि इस गेम को छोड़ दो क्योंकि इसमें चोट वगैरह? नहीं नहीं फैमिली नहीं कहती, लगेगी तो सही खेलना है तो लगेगी, कुछ बनने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है।
तो कितना मुश्किल होता है कि घर पे स्कूल्स भी जाना, घर का काम भी देखना, उसके बाद इसको भी देखना, किस तरह से टाइम आप निकाल? बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है, घर वालों को बोल के फिर आना पड़ता है यहाँ पे, फिर टाइमिंग देख के फिर घर का कर रहे हो। कितना इंजॉय करते हैं आप इस गेम को? बहुत ज़्यादा। और आप एक फ़ीमेल हैं, क्योंकि कहते हैं कि मेल सब कुछ होता है, तो आज की डेट में फ़ीमेल बहुत गेम के आगे है, जीत भी रहे हो, इस बारे में क्या कहोगे? नहीं, आजकल फ़ीमेल एक ही है, सेम ही है, दोनों अच्छे हैं, सब सेम है। तो बाकी जो आपको देख रहे हैं फीमेल्स, आप उनको क्या कहना चाहोगे? जैसे मैं प्लेयर बनी हूँ ऑलमोस्ट, वो भी वैसा बने, मैं ये चाहती हूँ कि सभी मेहनत करें और कुछ बने। इसके साथ साथ आपकी डिमांड्स क्या है इस चीज़ को लेके? जॉब पुलिस में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बेटा आपका नाम? लवली। लवली कहाँ से आती हो? बागीबू से। कैसा लग रहा है खेलने के लिए? अच्छा। आपको डर नहीं लगता कि चोट ना लग जाए खेलते खेलते? डर तो लगता है पर लगती नहीं है। पर लगती नहीं है, मतलब वेट कर रही हूँ लगने की। देखिए, जो सुन रहे छोटे छोटे बच्चे की बागीबो से आते हैं, छोटी छोटी लड़की हैं जो देख रहे हैं हॉकी हाथ में पकड़ा हुआ है, कितना कॉन्फिडेंट लेवल इनका हाई है कि इनको डर भी नहीं लग रहा। जैसे कि मैं खुद थोड़ी देर पहले देख रही थी कि किस तरह से ये एक दूसरे को बिना देखे हुए हॉकी स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि चोट भी लग सकती है, तो इससे भी बात करते हैं। आपका नाम? धानी। धानी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। कब से गेम खेल रहे हो, कितना समय हो गया आपको? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया। हाँ जी। 1.5 साल में कभी ऐसा हुआ कि आप कभी खेलते खेलते गिर गए हो, आपको चोट लगी हो? गिरी हूँ पर चोट भी लगी है, पर जोर से नहीं। अच्छा, जोर से नहीं, जोर का वेट कर रहे थे। तो मम्मा पापा तब क्या कहते जब चोट लगी थी? मम्मी पापा ने कभी डांटा नहीं कि चोट नहीं लगी? नहीं डांटा। ऐसा तो नहीं बोला कि गेम छोड़ दो आप? नहीं बोला। तो दोबारा क्या कहते हो, चोट लगने के बाद आप गेम को खेलना पसंद करते हो? हाँ जी। अच्छा, कहाँ से आते हो आप? हम गोरखानगर से। गोरखानगर से कौन छोड़ने आते हैं आपको? हम मैटाडोर में आते थे। तो बड़े होके क्या बनना चाहोगे? क्या आप? टीचर। टीचर। टीचर क्यों बनना चाहोगे? टीचर मुझे पसंद है। पसंद है। देखिएगा, छोटी छोटी बच्चों से बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो लड़कियाँ यहाँ पे खड़ी हैं छोटी छोटी हैं, यहाँ पे इनसे बातचीत करके जानते हैं। आपका नाम? लवली। वो आपका होगा। आपका नाम? सुनेखा। सुनेखा कहाँ से आते हो? बागीबहू से। बागीबहू से कितना इंजॉय कर रहे हो इस गेम को लेकर? बहुत बहुत ज़्यादा। कभी खेलते खेलते गिरे? सच बोलना। हाँ, गिरी तो हूँ, चोट भी लगी है हमें, पर दर्द भी होती है। मेरे माँ बाप बोलते हैं कि है ना, आप अभी बहुत मिन्नत करो, हम भी आपके लिए मिन्नत करेंगे, जो मैम बोलेंगे हम वही करेंगे। जो मैम बोलेंगे वही करेंगे। यस। फैमिली में आप पापा मम्मी सपोर्ट कर रहे हैं आप? यस मैम। तो जैसे कि हमने बच्चों से जाना, बातचीत करके सुना, और यहाँ पे यहाँ तक कि जो खेल है इंटरनेशनल, लेकिन दूसरी तरफ से ये हॉकी क्रिकेट है, ये काफ़ी टफ भी है, क्योंकि खेलते खेलते लड़कियाँ गिर सकते हैं, खेलते खेलते चोट लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। यही कह रहे हैं कि फैमिली का सपोर्ट जो है वो पूरा पेरेंट्स का। बच्चियाँ जो है जम्मू की हैं, दूर दूर से आ रही हैं, छोटी से बड़ी बच्ची की बात के सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। यहाँ तक कि मैं यही बोलूँगी, अगर आप भी चाहते हैं, आप भी इंटरेस्टेड गेम को लेके, आप सोच रहे हैं कि इसमें पहले ड्रेस लेनी पड़ती है, उसके बाद शूज़ लेने पड़ते हैं, हॉकी लेनी पड़ती है, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग नहीं पे कर सकते, नहीं एफर्ट कर रहे, तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको शूज़ वगैरह प्रोवाइड होते हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से आपको प्रॉपरली खर्चा किया जाता है। तो आप भी आइए, इस गेम को इंजॉय कीजिए। सबसे पहले आपका स्वागत है मैम। वेलकम। मैम, क्या कहेंगे कि अगर बात की जाए इंटरनेशनल, ये हमारा हॉकी जो क्रिकेट है, इसको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल में आता है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए जो क्रिकेट मैच है उसमें युवा पीढ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे, कहीं ना कहीं ये इसको पीछे किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे, क्या कारण लगता है आपको मैम? मैम, ऐसा है कि हॉकी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए आप देख रही हो मैम, आप भी यहाँ खड़े हो ग्राउंड में, टर्फ बनी है। टर्फ पे जो बच्चे खेलेंगे, अगर उनके पास शूज़ नहीं होंगे, स्टड वाले शूज़ नहीं होंगे, दे आर नॉट एबल टू प्ले हियर, उसलिए थोड़ा सा कास्टली हो गया। नो डाउट, ये हॉकी जो हमारी नेशनल गेम है, इंडियन गेम थी, इंडिया से शुरू हुई थी, और लोगों का रुझाव क्रिकेट की ओर जा रहा है, क्योंकि वो कॉस्टली नहीं है। पेरेंट्स भी कहीं बच्चों का इंटरेस्ट है, कई जगह ऐसा है कि पेरेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। स्टिक भी कॉस्टली है, बॉल तो छोड़ो, स्टिक भी कॉस्टली है, और बच्चे जैसे अच्छे प्लेयर्स हैं वो लैक इसलिए करें कि उनको घर से प्रॉपर नहीं मिल रही, उनको सपोर्ट नहीं मिल रही। मैं तो शॉर्ट में यही कहूँगी, प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रही क्रिकेट में। हाँ, शायद यही कारण है। क्रिकेट में ऐसा नहीं है, उनको ऐसा कुछ नहीं चाहिए, टर्फ नहीं चाहिए, ना ही वहाँ ऐसे शूज़ चाहिए कि वो नॉर्मली भी चलेगा। क्रिकेट बैट भी इतना कॉस्टली नहीं है एज़ कम्पेयर टू हॉकी, इसलिए बच्चे हमारे उनका रुझाव क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं। मैम, नॉर्मली क्या कहेंगे, कोई बॉयज़ या कोई गर्ल्स पार्टिसिपेट करते हैं तो नॉर्मली उनको क्या कुछ
लेना पड़ता, कितना ही मैक्सिमम खर्चा आ जाता है आपके आइडिया से? मैम ये एक तो शूज़ चाहिए जैसे टर्फ में खेलने के लिए प्रॉपर शूज़, अगर दूसरे शूज़ लगाएंगे मतलब 2000 मान के चलो 2000 मैम, 2000 रुपया खर्च तो आएगा ही। शायद यही कारण हो सकता है कि कोई प्रेफर करे कोई नहीं करे, यही कारण है एक मेन मैम, ये मैं यही कहूँगी यही कारण है एक कि ये बच्चे जो हमारे पीछे पीछे जा रहे हैं, शौक तो ज़रूर है उनका खेलने का लेकिन मतलब अपने पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से उनके पास पैसा नहीं है उसकी वजह से वो लोग पीछे रह रहे हैं, अदरवाइज दे आर वेरी इंटरेस्टेड। तो मैम क्या कहेंगे कि डिपार्टमेंट से हेल्प नहीं मिल रही? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट से उनके पास भी फंड्स नहीं होते, डिपार्टमेंट भी अपनी जगह ठीक है, उनके पास भी इतने फंड्स नहीं है कि हर एक को बच्चों के दें और उनकी हर एक नीड पूरी करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल मैम। तो हम यही कहेंगे जो बच्चे अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, जो बच्चे चाहते हैं पार्टिसिपेट करना, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं तो यही कहूँगी आएँ बच्चे देखें, डिफरेंट क्लब्स बने, क्लब वाले उनको स्पोर्ट्स करें, जैसे क्लब में हम लोग भी, मैं भी चाहती हूँ 2-4 बच्चे अगर आए तो मैं उनको सपोर्ट करूँगी अपनी तरफ से, मैं भी दूँगी, मैं भी इस डिपार्टमेंट से हूँ, मैं लेक्चरर हूँ तो मैं भी 2-4 बच्चों को मैं भी सपोर्ट कर सकती हूँ, 2000 कोई बात नहीं है, अगर मैं इतनी अच्छी पे ले रही हूँ तो अगर ऐसे ही हमारे में से कुछ लोग निकलें बच्चों को सपोर्ट करें तो हम बहुत दूर जाएंगे। जानते हैं सबसे पहले आपका स्वागत है, थैंक यू जी। आपका नाम? अभिषेक सूर्यवंशी। अभिषेक आप ये बताइए इस खेल में कब से आप जुड़े हैं? जी मेरे को 1.5 साल हो गए हैं यहाँ पे। तो ये बताइए कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस खेल को लेकर? जी मेहनत तो करनी पड़ती है क्योंकि मेरा यहाँ लोकल का नहीं हूँ, मैं अखनूर से आता हूँ यहाँ पे। डेली आते हैं अखनूर से? डेली अप डाउन रोज चलता है मेरा, तो 1.5 घंटा मतलब लग जाता है आने जाने में, 1.5 घंटा लग जाता है। कितनी मेहनत करते हैं, क्या कुछ करते हैं इस खेल के लिए आप? जी जैसे हम स्टेडियम में पहुँचते हैं ना, सबसे पहले हमें यार वार्म करना पड़ता है, वार्म करने के बाद अपने एक्सरसाइज टेस्ट उच करके ताकि हमें कोई इंजरी ना हो जाए, क्योंकि खेल में जब भी खेल खेलना है पहले हमारी बॉडी अच्छी वार्म होनी चाहिए, अगर वार्म नहीं होगी तो हमें चोट लगने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो वार्म करने के बाद हम खेलते हैं, उसमें हमारे कोच साहब हैं यहाँ पे जगजीत सिंह जी, तो वो हमें यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं, उन्होंने 3-4 घंटे हमें लगवाने होते हैं यहाँ पे, तो वो रोज़ मतलब कि उनकी वजह से हम यहाँ पे। आपको मुश्किल नहीं हो रहा जैसे कि ये गर्मी की बात करें तो इतनी गर्मी में आप जो इतनी दूर से आकर इतना ये गेम खेलते, कितना मुश्किल हो रहा है आपको? मैम पहली बात ही पैशन है हमारा, हमें खेल बहुत पसंद है ये, बाकी गेम की तरह से जैसे क्रिकेट लगा लो आप, लोग क्रिकेट आजकल ज़्यादा खेल रहे हैं पर लेकिन हॉकी हमारी नेशनल गेम है, इसकी लोकप्रियता बड़ी धीरे धीरे कम होती जा रही है, पर क्रिकेट को लोग बढ़ावा दिए जा रहे हैं। तो आपका स्वागत है हमारे EarlyPost में, थैंक यू। मैम क्या कहेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले बताइए कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन कौन से स्टेट से यहाँ पे आए हैं? यहाँ ये स्टेट लेवल का नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, इसमें जो गर्ल्स में हैं वो 6 वो टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो बॉयज़ में हमारे पास 12 टीम्स थी, तो आज फर्स्ट 2 डेज बॉयज़ का था और आज के दिन गर्ल्स का है, तो इस टाइम जो है अब लास्ट मैच रहा है, फाइनल मैच जी। तो ये डिफरेंट जोन्स का होता है, डिफरेंट जोन्स में से टीम्स, किसी जोन में 4 टीम्स आ जाते, किसी में 3, ऐसे ये जो है स्कूल वाइज होता है क्योंकि इसका समर ओलंपिक नाम दिया हुआ है जी। तो ये जो है ये DC ऑफिस के द्वारा करवाया जा रहा है, और लेकिन ये हमारा स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स वाले इसको सारा ये ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं, सारा ये जो मैचेस वगैरह ऑफिशियल्स वगैरह सारा ऑल ओवर हमारी ही टीम देंगी ये। मैम क्या कहोगी, कहीं ना कहीं नेशनल हमारा हॉकी मैच में आता है नाम, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि युवा पीढ़ी जो मैक्सिमम क्रिकेट मैच को लेके उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, हॉकी मैच की बात की जाए कहीं ना कहीं पीछे जा रही है, आखिर क्या कारण है, क्या लगता है? आई थिंक जो क्रिकेट है वो देखने में तो यूं ही लगता है कि ऑल ओवर जो है यहाँ पे इंडिया में देखो या इंटरनेशनली देखो क्रिकेट को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, हॉकी को भी मिल रही है कि अब क्रिकेट थोड़ा ज़्यादा वर्ल्ड वाइड है तो ये जो है हॉकी लिटिल बिट लेस, ये रीज़न अब गॉड नोस क्या है दैट आई डोंट नो। इसके साथ हमने बच्चों से ही बात की लेकिन बच्चों का कहना है कि हमें कोई कह रहा है हमें 3 साल हो गए, कोई कह रहा है 4 साल हो गए, लेकिन उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो चेंज नहीं पुरानी हैं जिसके कारण उनको चोटें लग रही हैं, वो गिर रहे हैं, वो कम्फर्टेबल नहीं हो पा रहे गेम को लेकर, तो इस बारे में क्या कहेंगे मैम? हाँ ये जो ग्राउंड है ये स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से बना हुआ है, एक्चुअली हमारे डिपार्टमेंट का कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जहाँ पर हम ये बच्चों के हम टूर्नामेंट्स करवाएँ, हमारे हॉकी के जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं
हैं वो हम यहीं पे करवाते हैं। तो सुनने में यही आया ये जो इसका ड्रफ है ये अब चेंज होना है, पुराना हो गया है। तो इसमें चेंज अभी तक नहीं हुआ, कह रहे चार साल नहीं हुआ, पर कहते हैं हो जाना है। जैसे हमने अभी जस्ट अभी हमने बात की थी तो कहते हैं अब ये चेंज हो जाना है। तो इसमें क्योंकि ये थोड़ा पुराना हो गया, इसमें जो शूज़ होते हैं वो दूसरे टाइप के पहन के खेलने होते हैं, उसमें पाँव स्लिप नहीं होता। सिंपल शूज़ पहन के बच्चों के पाँव स्लिप होते हैं। तो गॉड नोज अब ये तो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, दूसरा डिपार्टमेंट कब ये इसकी रिपेयर करेंगे, कब इसको ठीक करेंगे, तो वो वही जानते हैं। हम जाते हैं अर्ली पोस्ट के माध्यम से, जो आपको दर्शक देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं लाइक इस हॉकी मैच को लेकर? हाँ, मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि सब बढ़ चढ़ के स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के साथ जो बच्चा है आगे, कई दफ़ा ऐसा होता है एकेडमिक साइड बच्चा थोड़ा कम होता है, तो स्पोर्ट्स की साइड से होके बच्चे को प्लस पॉइंट मिलता है, मार्क्स उसको अच्छे उसमें आते हैं इंटरव्यूज़ में, और सिलेक्शन अच्छी अच्छी जगह पे हो जाती है। तो बच्चे को अपनी ऑलराउंडर डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए, स्पेशली हॉकी में। तो बच्चा क्योंकि ये मास में होता है, ये इंडिविजुअल नहीं होता, मास में होता है, 11 बच्चे एट ए टाइम खेलते हैं, इसमें सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये था जो आपको दिखाया हमने खेलो इंडिया की तरफ से समर स्कूल्स गेम्स, जो कि जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने यहाँ की टीम से बात की, यहाँ पे कोचर से बात की, उन्होंने यही बताया कि यहाँ पे काफ़ी सारी कमी पेशी भी है और क्या बेनिफिट है, किस कहाँ तक कि ये जो गेम्स है कितना ही अच्छा है, यहाँ पे बच्चे काफ़ी सारे इंजॉय करते हैं। तो हम ये चाहते हैं अर्ली पोस्ट के माध्यम से कि अगर बच्चों में टैलेंट है, अगर बच्चे लाइक ड्रग्स की ओर बढ़ रहे हैं तो उनको ये गेम में हिस्सा लेना चाहिए। क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं, हॉकी मैच खेल सकते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड है ये, तो यहाँ पे आप अपने बच्चों को डाल सकते हैं। और पेरेंट्स को चाहिए कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे तो अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, यहाँ तक कि डिपार्टमेंट की भी, डिपार्टमेंट वाले भी बच्चे जो गरीब हैं उनको शूज़ वगैरह देते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी उनकी हेल्प करते हैं। तो बच्चों को बढ़ चढ़ कर गेम में हिस्सा लेना चाहिए। इसके साथ देखते रहिए अर्ली पोस्ट, सोनिया डोगरा को दीजिए आगे नमस्कार।